इजी एंड टेस्टी हेल्दी डोनट्स का ये रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं एकदम बाजार स्टाइल डोनट्स। देख लीजिए बच्चों का फेवरेट। चलिए अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। इजी एंड टेस्टी बच्चों का फेवरेट डोनट्स बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर अभी ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून मिल्क। ये ल्यूकवार्म मिल्क है, मैंने ले लिया है 6 टेबलस्पून मिल्क और इसके अंदर अभी ऐड कर दूंगी 6 टीस्पून पाउडर शुगर। साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट और अभी मिला देंगे। अभी 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। 10 मिनट में ईस्ट हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद बाकी के प्रोसेस करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और ईस्ट हमारी एक्टिवेट हो गए हैं, तो अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे 300 ग्राम मैदा। ये रेसिपी मैदा से ही बनते हैं, आटा से बनाने का कोशिश मत कीजिए, स्वाद में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाएगी। ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अभी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, मैंने लिया है सॉल्टेड बटर। साथ ही साथ ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून दही। दही ऐड करने से बैटर हमारी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। और अभी सारे चीजों को मिला के एक डो तैयार कर लूंगी। डो हमारी रेडी हो गई है, देख लीजिए कितना ज्यादा सॉफ्ट डो बन के रेडी है। तो अभी इसको ढक के 1 घंटा के लिए रख दीजिए, 1 घंटा बाद तैयार करेंगे। देख लीजिए डो हमारी फूल के एकदम सेट हो गए है। तो अभी पूरा के पूरा हवा को ऐसे निकल दीजिए और फिर से एक बार गूंद लीजिए। देख लीजिए डो से हवा पूरा के पूरा निकल गए है। तो अभी ऐसे बड़ा बड़ा बॉल्स तोड़ लीजिए। ऐसे एक बॉल्स को ले लीजिए और हाथों की मदद से पूरा का पूरा राउंड शेप दे दीजिए। डोनट्स थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो इसलिए बॉल्स को थोड़ा सा बड़ा रखिए। देख लीजिए ऐसे। मैंने ले लिया है एक चॉपिंग बोर्ड और उसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे। और अभी ये जो डोनट्स मैंने बनाई थी पेड़ा, इसको ऐसे प्लेस कर देंगे। डोनट्स पैटी को मैंने रेडी कर लिया है और अभी ले लिया है एक बोतल का कैप और उसके किनारे से ऐसे ऑयल लगा रही हूँ और अभी अंदर से कट कर लूंगी। देख लीजिए कितने अच्छे से हो गए हैं। ऐसे ही सारे के सारे को कट कर लेती हूँ। सारे डोनट्स को मैंने कट कर लिया है और अभी ऊपर से ऐसे हल्का सा ऑयल ब्रश कर देंगे। ये स्टेप बहुत ही जरूरी है, स्किप मत कीजिए। और अभी एक टिश्यू की मदद से ऐसे बस 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। 10 मिनट बाद फ्राई। 10 मिनट हो गए हैं और डोनट्स हमारी फूल के एकदम रेडी है, तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। देख लीजिए मैंने कढ़ाई चढ़ा, ऑयल हमारी गर्म हो गई है। तो अभी ऐसे डोनट्स को प्लेस कर दीजिए। कढ़ाई को हल्का सा ऐसे हिला दीजिए, हल्का हाथों से कीजिए, थोड़ा सा सावधानी रखिए। देख लीजिए कितना अच्छा फूल रहे है। फ्लेम को मीडियम में रखिए और एक साइड को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। अभी पलट देंगे, पलटते पलटते कीजिए तो ऊपर से बनेगी क्रिस्पी और अंदर से रहेगी पूरा का पूरा सॉफ्ट। देख लीजिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आए हैं, तो अभी इसको निकल लेंगे। देख लीजिए डोनट्स कितने अच्छे से फूल रहे हैं, ऐसे ही होंगे। तो 2 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई कीजिए और दूसरे साइड को भी फिर से 2 मिनट के लिए ही फ्राई कीजिए। ऐसे पलट दीजिए, देख लीजिए कितना अच्छा कलर आ रहे हैं। देख लीजिए ये हमारे रेडी हो गए हैं, तो इसको अभी निकल लेते हैं और ऐसे सारे के सारे को रेडी कर लेते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा कलर आए है। डोनट्स तो हमारे रेडी हो गए है, चलिए अभी डेकोरेशन करते हैं। तो ऐसे ही दोनों को मैं डेकोरेट करूंगी चॉकलेट सिरप से। देख लीजिए ऐसे ही चॉकलेट से कोट कर लेंगे दूसरे को भी। बाकी दोनों को डेकोरेट करेंगे बटरस्कॉच टॉपिंग से। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो टॉपिंग पसंद है उससे ही कर लीजिए। बटरस्कॉच स्प्रेड से मैंने स्प्रेड कर दिया है, तो अभी ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे पाउडर शुगर। हल्का हल्का करके ऐसे पाउडर शुगर स्प्रिंकल कर दीजिए। ऐसे स्टेनर की मदद से भी आप लोग कर सकते हो। ये बस डेकोरेशन है,
आप आपके स्वाद अनुसार कर लीजिए। चॉकलेट सिरप से कोट करने के बाद ऊपर से ऐसे थोड़ा सा जेम्स से डेकोरेशन कर दीजिए, इससे बच्चों को और भी ज्यादा पसंद आते हैं कलरफुल चीज। देख लीजिए, रेडी हो गए हैं मेरी हेल्दी एंड टेस्टी एगलेस डोनट्स। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर पसंद आए है ना तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे वीडियोस रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।